युद्ध के टेंशन के बीच तुर्की के राष्ट्रपति ने नेतन्याहू को नई धमकी दे दी है। प्रेसिडेंट एर्दोगान ने इसराइल को दुनिया का दुश्मन बताते हुए बहुत जल्द एक्शन लेने का ऐलान किया है। अल्बानिया दौरे पर पहुंचे एर्दोगान की तरह ईरान भी अब अरब देशों की गोलबंदी में जुटा हुआ है। इस बीच सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की एक तस्वीर ने अमेरिका को दहला दिया है। लेबनन की तरफ से हिजबुल्ला द्वारा दागे गए मिसाइल और रॉकेट लगातार इसराइल को परेशान कर रहे हैं। कुछ ऐसे मिसाइल या रॉकेट होते हैं जिनको हम जाने देते हैं, उन पर अपने संसाधन को खर्च नहीं करते। कई सारी कब्रें यहां पर देखिए तबाह हो गई हैं। एक रॉकेट आके गिरा है जिसकी वजह से तबाही का जो मंजर है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए बम के धमाकों के साथ बेरूत की तस्वीर बदल रही है। जैसे जैसे रॉकेट की बौछार से तेल अवीव की शक्ल बदल रही है, उतनी ही तेजी से खाड़ी में खेमे बदल रहे हैं। इसराइल के खिलाफ मोस्ट पावरफुल ग्रुप बन रहा है। इस ग्रुप में होड़ ये लगी है कि जल्द से जल्द ईरान से दोस्ती की जाए और इसराइल के साथ अमेरिका को हद में लाया जाए। कई तस्वीरें हैं जिन्होंने अमेरिका और इसराइल की टेंशन बढ़ा दी है। तस्वीर नंबर 1 देखिए, जहां तुर्की नेवी का शिप लेबनान में एंट्री कर रहा है। शिप पर तुर्की के किलर कमांडो एक्शन मोड में दिख रहे हैं। दूसरी तस्वीर अल्बानिया से आई है, जहां प्रेसिडेंट एर्दोगान इजरायल विरोधी गुट के विस्तार के लिए पहुंचे हैं। तीसरी तस्वीर तो ऐसी है जिसने इसराइल और अमेरिका दोनों को थर्रा दिया है। सऊदी अरब के रियाद में क्राउन प्रिंस सलमान से ईरान के विदेश मंत्री की मुलाकात ने अरब वर्ल्ड में नए समीकरण पर मोहर लगा दी है। वॉर जोन में दिख रहे बारूदी तहलके से ज्यादा तपिश इन तस्वीरों में है। तेहरान में जल रहे इसराइल और अमेरिका के झंडे क्या कह रहे हैं? क्या ईरान ने सऊदी अरब को साथ लिया है? क्या खाड़ी के सभी पावरफुल नेशन पर खामिनेई की अपील असर कर गई है? सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची की मीटिंग में युद्ध तनाव पर चर्चा हुई है। प्रिंस सलमान ने ईरान के विदेश मंत्री से वॉर टेंशन कम करने का वादा भी किया है। सऊदी प्रिंस से मीटिंग के बाद ईरान के विदेश मंत्री कतर का दौरा करेंगे। खाड़ी में अमेरिका के सबसे करीबी दो मुल्क सऊदी अरब और कतर को माना जाता है। अगर ये दोनों देश ईरान के खेमे में गए तो इसराइल का बचना मुश्किल होगा। वजह ये भी है कि तुर्की जैसा ताकतवर देश अरब वर्ल्ड में फूट डालकर खुद को खलीफा साबित करने में लगा है। इसराइल मज़ालिमी görüşmemizin öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldı. Netanyahu hükümetinin bölgesel kapsamının ötesinde artık küresel düzeni tehdit eder hale gelen saldırganlıkları hakkındaki görüşlerimizi paylaştık. उधर डिप्लोमेसी फ्रंट पर इजराइल जैसे जैसे ट्रैप में फंसता दिख रहा है, उतना ही वॉर जोन में उसे झटके लग रहे हैं। इजराइल की धरती थर्रा रही है। इजराइल के आसमान में बारूद का बवंडर उठ रहा है। कभी रॉकेट अटैक तो कभी ड्रोन से मिसाइलें फट रही हैं। इसराइल के चप्पे चप्पे पर दुश्मनों के धमाके की छाप दिखाई देने लगी है। लेबनान से लगी इसराइल के सरहदी शहरों में अब किसी को सलामत होने की गारंटी नहीं है। मैं इस वक्त इसराइल लेबनान के बॉर्डर के बेहद करीब एक गांव में हूं, जहां 8 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे एक साथ कई दर्जन रॉकेट से हिजबुल्ला ने हमला किया था और उनके निशान आप अब भी गांव में जो घर है उनकी दीवारों पर देख सकते हैं। छोटे छोटे छेद यहां पर हुए हैं। हालांकि जो रॉकेट है वो गिरा था दूसरी बिल्डिंग पर। ये देखिए सामने की जो बिल्डिंग है उस पर रॉकेट गिरा था और उसकी वजह से दीवारें काली पड़ गई। अगर हिजबुल्ला के हमले में इसराइल को भारी नुकसान हुआ है। IDF के टॉप कमांडर को नईम कासिम के लड़ाकों ने ढेर कर दिया है। हिजबुल्ला ने नेतन्याहू आर्मी के बड़े ऑफिसर को मारकर दहला दिया है। इसराइल फोर्सेस की एलन ब्रिगेड की 5030वीं बटालियन के सार्जेंट मेजर रोनी गनीजाते हिजबुल्ला के हमले में मारे गए हैं। 36 साल के मेजर गनीजाते लेबनान में हिजबुल्ला के खिलाफ जमीनी हमले में मारे गए हैं। ग्राउंड बैटल में अब तक हिजबुल्ला ने इसराइल के 12 सोल्जर्स को ढेर किया है। अपने अफसर की मौत के बाद इसराइल ने हिजबुल्ला के 2 कमांडर मार डाले हैं, जिसमें एक अहमद मुस्तगा अलहाज अली और दूसरा मोहम्मद अली हमदान बताया गया है। हिजबुल्ला के दोनों टॉप कमांडर एंटी टैंक कोर के कमांडर थे।
दो टॉप कमांडरों की मौत का बदला लेने के लिए हिजबुल्ला ने इसराइल के कब्रिस्तानों को भी बारूद से पाट दिया। यहाँ की धार्मिक मान्यता के मुताबिक उनको भी शांति नहीं है, और आप यहाँ पर देखिए कि ये पूरा कब्रिस्तान टूटा फूटा है। यहाँ पर देखिए ये गवाही दे रही हैं तस्वीरें कि लोग जो हैं वो यहाँ पर अपने प्रियजनों को देखने आ रहे हैं। देखिए जिनको ये खबर पता लगी है कि कब्रिस्तान के ऊपर रॉकेट हमला हुआ है, वो लोग अपने प्रियजनों की देखिए यहाँ पर कब्रें देखने आ रहे हैं, और लोग यहाँ पर लगातार जो अटैक हुआ है रॉकेट से उसको देखने आ रहे हैं। हिजबुल्ला फाइटर इसराइल के क्रियात शमोना से आगे बढ़कर अब बैत हिलेल और मयान बारूच तक मार कर रहे हैं। गैलीली में हिजबुल्ला के रॉकेट के छर्रे से छलनी दीवारें हर जगह देखी जा सकती हैं। हिजबुल्ला के हमलों में आई तेजी की वजह से रदवान फोर्स के नए कमांडर की तैनाती है। इसराइल मीडिया के मुताबिक रदवान फोर्स के पूर्व कमांडर हैतम अली तबाई को हिजबुल्ला के मिलिट्री ऑपरेशन का चीफ बनाया गया है। हैतम अली के साथ मिलिट्री लीडरशिप में जिहाद काउंसिल के मेंबर मोहम्मद हैदर को भी सैन्य ऑपरेशन का जिम्मा सौंपा गया है। वहीं हाशिम सैफुद्दीन की मौत के बाद हिजबुल्ला की पॉलिटिकल विंग का चीफ अब नईम कासिम को बनाया गया है। नए कमांडरों की यही तिकड़ी नेतन्याहू से नसरल्ला की मौत का बदला लेगी, लेकिन अमेरिका के रहते ये मुमकिन नजर नहीं आ रहा है। सुपर पावर ने इसराइल को इतने हथियारों से लैस कर दिया है कि उसे युद्ध में परास्त करना हिजबुल्ला तो क्या कई देशों के बूते की बात नहीं। ब्राउन यूनिवर्सिटी के कॉस्ट ऑफ वॉर प्रोजेक्ट की एक नई रिपोर्ट से पता चला है कि अक्टूबर 2023 से अब तक अमेरिका ने इसराइल पर $22.76 बिलियन खर्च किए हैं। अमेरिकी हथियारों की आपूर्ति में लगभग 57,000 तोपखाने के गोले, तोपों के लिए 36,000 राउंड गोला बारूद, 20,000 M4A1 राइफलें, 14,000 एंटी टैंक मिसाइलें और 8,700 MK82 500 पाउंड बम शामिल हैं। इसराइल के लड़ाकू जेट हों या फिर डिफेंस सिस्टम, सब के सब सुपर पावर के बजट से चल रहे हैं। इसराइल के आयरन डोम और डेविड स्लिंग एयर डिफेंस सिस्टम के लिए अमेरिका ने $4 बिलियन, आयरन बीम लेजर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए $1.2 बिलियन की मदद दी है। अमेरिका ने इसराइल को 14,100 MK84 अनगाइडेड 2,000 बम, 3,000 ज्वाइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन डम्प टू स्मार्ट बम ट्रांसफॉर्मर किट, 3,000 हेलफायर मिसाइल, 2,600 250 पाउंड GBU-39 छोटे बम, 1,800 M-141 बंकर बस्टर बम, 3,500 नाइट विजन डिवाइस, 200 स्विच ब्लेड ड्रोन, 100 से ज्यादा स्काइडियो एक्स ड्रोन और 75 ज्वाइंट लाइट टेक्टिकल व्हीकल भी दिए हैं। इसराइल को इमरजेंसी डिलीवरी के लिए $4.4 बिलियन का बजट अलग से रखा गया है। यानी पूरी दुनिया एक तरफ और इसराइल एक तरफ। अमेरिका इसराइल के साथ युद्ध में है, हर तरफ से है, चाहे हथियार हो, चाहे बाहुबल हो, चाहे एटम बम हो। इसराइल को जिसकी जरूरत होगी सुपर पावर वो देगा, लेकिन युद्ध में कभी भी इसराइल को झुकने नहीं देगा। अमेरिका की यही गारंटी नेतन्याहू को सभी दुश्मनों से भिड़ने की पावर देती है। सुपर पावर का इसराइल के साथ खड़े रहना उसकी जीत और वजूद दोनों के लिए जरूरी भी है, वरना बारूद के ढेर पर बैठे इसराइल को ईरान और तुर्की जैसे दुश्मन देश कभी भी जलाकर राख कर सकते हैं। ईरान ने 1 अक्टूबर को इसराइल पर 200 मिसाइलों से हमले करके सभी को चौंका दिया था। तब से दुनिया भर के वॉर एक्सपर्ट्स ये देखने को बेचैन हैं कि इसराइल ईरान से बदला कैसे लेता है। अब लगभग 9 दिन बाद इसराइल ने ऐसा दावा किया है जो ईरान के ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकती है। ईरान पर इसराइल बहुत बड़ा हमला करने जा रहा है और उसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। को तैयार इसराइल, देखते रह जाओगे खामनेई। एक अक्टूबर 2024 को भले ही ईरान ने इसराइल पर 200 बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर दुनिया को चौंका दिया हो, लेकिन अब ईरान के मिसाइल हमले के 9 दिन बाद खबर आ रही है कि इसराइल अब ईरान का हाल हिजबुल्ला और हमास से भी बुरा करने जा रहा है। इसराइल में पिछले 9 दिनों से एक ऐसे हमले की खौफनाक और भयानक तैयारी चल रही है जिसके बारे में शायद ईरान को पक्के तौर पर पता नहीं है। इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ईरान पर हमला करने को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से 50 मिनट तक बातचीत कर चुके हैं।
इधर इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने ईरान पर हमले का ऐसा इशारा किया है जिसने पूरे मिडिल ईस्ट में हड़कंप मचा कर रख दिया है। दावा किया जा रहा है कि इजराइल के इस हमले की भनक मिलने के बाद से ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की रातों की नींद उड़ गई है। जरा देखिए इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने क्या कहा है। ईरान को समझ नहीं आएगा क्या हुआ और कैसे हुआ। योआव गैलेंट ने कहा कि ईरान पर इजराइल का हमला घातक और सटीक होगा और इस हमले की ईरान को भनक तक नहीं होगी। ईरान को समझ नहीं आएगा कि क्या हुआ और कैसे हुआ। योआव गैलेंट का यह बयान इजराइल पर ईरान के मिसाइल हमलों के जवाब में आया है। सूत्रों की माने तो इजराइल ईरान के प्रमुख तेल ठिकानों को निशाना बनाने की योजना बना रहा है। माना जा रहा है कि हमले ईरान की अर्थव्यवस्था को गहरा नुकसान पहुंचाने के लिए होंगे क्योंकि ईरान की बड़ी आर्थिक ताकत उसके तेल क्षेत्र है। इसके अलावा इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर भी बहुत बड़ा हमला कर सकता है। 50 मिनट में हुई सीक्रेट डील, उड़ा दो ईरान के एटमी ठिकाने। लगभग 100 घंटे से दुनिया भर की मीडिया में ये दावे किए जा रहे हैं कि ईरान ने जमीन के नीचे एक बहुत बड़ा परमाणु परीक्षण किया है। दावा किया जा रहा है कि इजराइल ने पिछले 120 घंटे में ईरान में आए भूकंप और परमाणु बम का परीक्षण के दावों का सीक्रेट पता कर लिया है। इसीलिए बाइडेन और नेतन्याहू ने 50 मिनट तक फोन पर बातचीत के दौरान लगभग फाइनल कर दिया है कि अब ईरान को 200 मिसाइल हमलों का जवाब जबरदस्त तरीके से दिया जाएगा। התקפות שהאיראנים תקפו אותנו לפני זמן קצר. התקפות האלה היו אגרסיביות, אבל התקפות האלה נכשלו כי הם לא היו התקפות מדויקות. חיל האוויר לא נפגע, כל המסלולים פועלים. भले ये कयास लगाए जा रहे थे कि अमेरिका इसराइल पर दबाव बना चुका है कि वो ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह नहीं करेगा, लेकिन जब से अमेरिका को खुफिया जानकारी मिली है कि ईरान ने भूकंप की आड़ में एटमी परीक्षण ही किया है, तब से अमेरिका अब इसराइल को उसके एटमी ठिकानों पर हमला करने की हरी झंडी दे चुका है, ऐसा सूत्रों के जरिए दावे किए जा रहे हैं। अब ये भी जान लीजिए कि ईरान ने 5 अक्टूबर को क्या किया था। इसराइल के साथ बढ़ते संघर्ष के बीच 5 अक्टूबर को ईरान के सिमनान प्रांत में रिक्टर पैमाने पर 4.6 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। भूकंप का केंद्र कथित तौर पर सतह से लगभग 10 किलोमीटर नीचे और एक ईरानी न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट के करीब था। ईरान के सिमनान प्रांत के कावीर रेगिस्तान में ईरान ने परमाणु परीक्षण किया है, ऐसे अब दावे किए जा रहे हैं। भूकंप के समय और परमाणु सुविधा के करीब होने के कारण इस बात की अटकलें लगाई जा रही हैं कि ईरान ने परमाणु बम का परीक्षण किया है। दावों के मुताबिक भूकंप का केंद्र सतह से लगभग 10 किलोमीटर नीचे और एक ईरानी न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट के करीब था। भूकंप के दौरान जिस तरह की लहरें जमीन में उठती हैं, ये लहरें वैसी नहीं थी। ये लहरें वैसी थी जैसी न्यूक्लियर विस्फोट के बाद जमीन पर चलती हैं। इसीलिए दुनिया भर के रक्षा एक्सपर्ट्स और वैज्ञानिक ये दावा कर रहे हैं कि ईरान ने परमाणु परीक्षण किया है। ईरान ने इन दावों का खंडन नहीं किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि ईरान ने एटम बम का टेस्ट किया है। यूनिट 9900 का वॉर प्लान, ईरान पर अदृश्य हमला। ईरान पर इजराइल एक बड़ा हमला करने जा रहा है जिसमें हवा और समुद्र के रास्ते सबसे बड़े भीषण हमले होंगे। 1 अक्टूबर को जब ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से इसराइल पर हमला किया था तो उस वक्त ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह 1 और फतेह 2 ने इजरायली सैन्य ठिकानों को काफी नुकसान पहुंचाया था। उस वक्त इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम, एरो 2, एरो 3 और डेविड स्लिंग सभी ईरानी मिसाइलों को रोक नहीं पाए थे, लेकिन इसराइल के रक्षा मंत्री का साफ कहना है कि ईरान का मिसाइल हमला नाकाम रहा है और अब हम उन पर हमला करने जा रहे हैं। जरा देखिए इसराइल डिफेंस फोर्स की जासूसी यूनिट 9900 को लेकर रक्षा मंत्री योआव गैलेंट क्या कह रहे हैं। खबरों के मुताबिक इसराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने आईडीएफ की खुफिया यूनिट 9900 के कमांडर्स से बातचीत की है। दावा किया गया है कि ईरान पर जबरदस्त हमले का प्लान आईडीएफ की खुफिया यूनिट 9900 ने बनाया है। आईडीएफ की खुफिया यूनिट 9900 ने ईरान में तेल कुएं, एटमी ठिकाने, राष्ट्रपति भवन, खामनेई के घर पर हमले का प्लान बनाया है। इसके अलावा आईडीएफ की खुफिया यूनिट 9900 ने ईरान के टॉप कमांडर पर हमले का प्लान बनाया है जिसने 200 बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल पर हमले का नेतृत्व किया था। खबरें ये भी हैं कि आईडीएफ की खुफिया यूनिट 9900 का वॉर प्लान इतना जबरदस्त है कि इजराइल के रक्षा मंत्री ने
इशारों ही इशारों में कह दिया है कि इजराइल अब ईरान पर ऐसा हमला करने जा रहा है कि ईरान को पता ही नहीं चलेगा कि क्या हुआ, कब हुआ और कैसे हुआ। अब सवाल उठता है कि क्या इजराइल से 2000 किलोमीटर दूरी पर मौजूद ईरान पर हमला करना इतना आसान होगा, क्योंकि ईरान की मिसाइल पावर जबरदस्त है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई भी 4 अक्टूबर को दावा कर चुके हैं कि ईरान का मिसाइल हमला शानदार रहा है। लगभग 5 साल बाद हजारों ईरानियों के बीच में खामनेई ने ऐलान किया कि ये तो अभी इजराइल ने ईरान का मिसाइल ट्रेलर देखा है, अगर जरूरत पड़ी तो ईरान इजराइल के वजूद को मिटाने के लिए बहुत बड़ा मिसाइल हमला कर सकता है। گذشته همین ایام تقریبا انجام گرفت یک حرکت درست منطقی قانونی بین المللی بود و حق با فلسطینی ها بود اب ایسے حالات میں سوال اٹھتا ہے کہ کیا اسرائیل ایران پر بھیشن حملہ کرنے کا جوکم اٹھا سکتا ہے اسرائیلی میڈیا کے مطابق اگر اسرائیل حملہ نہیں کرے گا تو آنے والے 5 سے 10 سالوں میں اسرائیل کا وجود ہی مٹ جائے گا اور اگر اسرائیل ایران کو تباہ کر دیتا ہے تو اسرائیل اگلے 10 سالوں میں پورے مڈل ایسٹ میں سپر پاور بن جائے گا।